नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं मनसहा न्यूज़ में। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। दिल्ली और मुंबई के बीच हुए मुकाबले में एक पल ऐसा था जब ऋषभ पंत को रवि बिश्नोई ने बोल्ड किया तो ऋषभ पंत का जो चेहरा था वो देखने लायक था और उनका यह वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दूँ कि पंजाब और दिल्ली के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने सुपर ओवर में पंजाब से जीत छीन ली, लेकिन यह मैच बड़ा ही रोमांचक रहा। जिस अंदाज में पहले दिल्ली ने बल्लेबाजी करते हुए 157 रन 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर मारे, फिर जब पंजाब की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पंजाब की टीम भी 20 ओवरों में 157 रन बनाए और वो भी 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सबसे अच्छा और रोमांचक मुकाबला तब रहा जब यह मैच सुपर ओवर तक गया। लेकिन उससे पहले बता दें तो जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो रवि बिश्नोई गेंदबाजी कर रहे थे। जब ऋषभ पंत को रवि बिश्नोई ने आउट किया, इसके बाद से ऋषभ पंत का जो वीडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ऋषभ पंत आउट होने के बाद अपना गुस्सा बॉलर के ऊपर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें कुछ अपशब्द भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए भी कह सकते हैं कि जिस तरह से ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपना डेब्यू मैच खेल रहे रवि बिश्नोई ने ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज को आउट किया, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऋषभ पंत के आउट होने के बाद उनकी झुंझलाहट इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जब रवि बिश्नोई ने उन्हें आउट किया तो ऋषभ पंत काफ़ी दुखी है, काफ़ी झल्ला उठे और उनके मुंह से उधर कहें तो रवि बिश्नोई की अच्छी गेंदबाजी के बाद उन्होंने कहा कि मेरा सपना था टीम के साथ खेलना जो मैंने पूरा किया। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 22 रन देकर एक विकेट भी लिया। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को आउट करके मुझे अच्छा लगा, गूगली पर ऋषभ पंत को आउट करना मेरा सबसे अच्छा दिन था।